जिनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होती है वो कभी भी आलसी नहीं मिलेंगे आपको। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब क्या कि मैं 18 साल से ऊपर हो गया हूं, आप में से कितने जो 18 साल से ऊपर हैं? हाँ, सारे हैं। तो दैट मींस कि अगर आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है तो, अगर है तो क्या आना चाहिए अंदर से कि मुझे बैठे बैठे नहीं खाना है अपने माँ बाप का, फ्री में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, एक रुपए भी नहीं चाहिए किसी से भी, चाहे वो मेरे माँ बाप हो चाहे कोई भी हो, अपने बेस पे कुछ करना है। ये सेल्फ रिस्पेक्ट हमारे अंदर होनी चाहिए, ऐसी बहुत कम लोगों में मिलती है। कहीं पे भी कोई ऑफर निकाल दो जहां पे ये बोल दो कि हाँ ये लकी ड्रॉ है, अरे लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं इंग्लैंड में, सब भिकमंगे भरे पड़े हैं। ये कैसी सोच है? आपको अपनी एक किस्सा सुनाऊं? मतलब एक बार गोवा में एक कैसीनो है, तो मैं और मेरा दोस्त वहां पे खेलने गए। तो मेरा जुआ खेलने का सीधा सा उसूल है कि जुए में मैं चाहे जितना मर्जी जीत जाऊं, मैं उसको अपने पास रखूंगा नहीं, मैं हार के ही उठूंगा। मैं पहले ही फिक्स कर लेता हूं अपने माइंड में कि इतना मुझे हारना है। लोग खेलते हैं जीतने के लिए, मैं खेलता हूं हारने के लिए। अब आप कहोगे हारने के लिए क्यों खेलते हो, पागल हो क्या? अरे खेलने में मजा आता है ना। जैसे हम मूवी देखने जाते हैं तो वहां से कुछ मिलता थोड़ी है मूवी देखने के बाद में, आपने 1000 रुपए खर्चा तो क्या मिला एंड में? मूवी देखने में मजा आया, ऐसी जुआ खेलने में मजा आता है। कभी कभी, रोज नहीं, नहीं सोचो कि जुआरी बैठा हूं मैं। तो रूले गेम होती है वो, पता है आप लोगों को? उसमें नंबर्स होते हैं बहुत सारे, उसमें नंबर्स पे पैसा लगाना होता है। तो खेल रहे, पहले दिन खेले, वहां से मैंने शुरू किया था 2000 रुपए से, जीते जीते 20-25 हजार रुपए हो गए। अगले दिन फिर खेले और वो दोस्त मेरा दूसरा जो साथ में था वो हारे जा रहा, रोए जा रहा, पूरा दिन ही खराब। मतलब मैं क्या यार, मैं 15 हजार रुपए डाउन हो गया, ये हो गया वो हो गया, मतलब ये हालत चल रही है उसकी। मैं यहाँ पे जीत के भी खुश नहीं, मेरे को खेलने में मजा आ रहा, अच्छा अब ऐसा होगा चलिए यहाँ लगाता हुआ करना। करते करते 75-80 हजार रुपए मैं जीत चुका था 2000 रुपए से। तो वहां पे जितने प्रोफेशनल जुआरी बैठे होते हैं कैसीनोज में, आप अगर कभी गए हो तो आपको पता होगा, जिनका रोज का होता है, मतलब उनकी शक्ल से पता लग रहा था घर बार सब बिक चुका है। मेरे को आ करके नहीं छा, भाई उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा, उठ जा उठ जा उठ जा, मैंने भी ये गलती करती है। मैंने कहा क्या मतलब, क्या उठ जा, मतलब मैं जीत के चला जाऊं? ये जुआरी कैसे बनते हैं, जीत करके बनते हैं हार करके बनते हैं? कोई भिखारी कैसे बनता है, जब उसको भीख मिलती है तब बनता है भिखारी, या भीख नहीं मिलती है तब बनता है? जिसको नहीं मिलेगी, उसने कोशिश करी भीख मांगने की, उसको मिली ही नहीं, वो कहेगा नहीं भिखारी बनती मिलने है ही नहीं। जिसको मिल गई वो भिखारी है, जो जीत गया वो जुआरी है। तो ये बेसिक से फंडे हैं लाइफ के। तो मेरा फंडा क्या है कि चाहे जितना मर्जी हो जाए, तो 75-80 हजार रुपए कैसीनो के भी बंदे वो सब एक्साइटेड हुए पड़े कि अगर मैंने ये लगा दिया एक नंबर पे तो उसका 35 गुना या 36 गुना हो जाता है। तो उनकी भी एक लिमिट होती है कैसीनो की। तो सबकी हवा टाइट थी क्योंकि मैं पागलों की तरह खेल रहा था, क्योंकि मेरे को जीतना ही नहीं था, मैं तो हारने के लिए खेल रहा था ना, समझ लो। और लोग जीतने के लिए खेलते हैं, हारने से उनकी फटती है, मेरा ऐसा कुछ था ही नहीं। वहां पे मैंने क्या किया, वो पूरा का पूरा पैसा यानी 70-80 हजार रुपए एक नंबर पे लगाया और उठ गया वहां से। उस नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 1:35। तो सारे मेरे को नहीं नहीं इसमें तो कुछ तो रख ले, चल होटल का खर्चा ही निकल जाएगा। पागल है क्या, होटल का खर्चा, मैं जुए के पैसे से होटल का खर्चा निकालेगा, जुआरी हूं क्या? तो वहां पे रखा और मैं उठ करके बाहर चला गया। बाद में दोस्त ने आकर के बता दिया मुझे कि नहीं आया, और अगर वो आ जाता तो 70,000 × 35 करना कितना हुआ, 25-30 लाख रुपए हुआ मेरे को। हाँ, तो उतना कैसीनो को मुझे देना पड़ता। तो आप समझ सकते हो कि कैसीनो की क्या हालत हुई थी। सोचा अगर वो नंबर आ जाता तो 25-30 लाख रुपए उस कैसीनो को देना पड़ता, लेकिन अगर वो 25 लाख भी आया था तब भी मैंने वहीं पे टेबल पे छोड़ देना था, चाहिए नहीं, मतलब ही नहीं। इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट। When I was getting married to my wife, अभी I'm not too sure ये बातें बतानी चाहिए नहीं, बट तो ना बता दो आप, तो आप चीजों बता दो सर, कुछ भी बता दो, आपका क्या जाएगा, आप तो अपने घर मेरी वोट लग जाएगी एनी हाउ। तो बट इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है, तो बता देता हूँ, सच है तो उसमें बताने में क्या डर। When I was getting married to my wife, तो उस टाइम पे मेरे पास में एक सेकेंड हैंड मारुति एस्टीम थी। तो मेरे को उड़ती उड़ती खबर आई कि वो मेरे को होंडा सिटी देने का कुछ प्लान कर रहे हैं। अगले दिन मैं अपने ऑफिस में गया, जितनी भी मेरी सेविंग्स थी वो सारी निकाली मैंने यहाँ से वहां से करके, और फाइनेंस करा लिया एक होंडा सिटी, अगले दिन ही ले आया। मतलब मैंने कहा आप दो किसको दोगे, लाइफ का फंडा सिंपल, किसी से भी एक रुपए भी लेना नहीं है, मर जाऊंगा लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। अब ऐसे बंदे जो डाउरी आज कहने के लिए इलीगल है इंडिया में, लेकिन आज भी बहुत लोग हैं जो
खुल्लम खुल्ला ये सारे काम कर रहे हैं। अब उन बेशर्मों को मतलब क्या, ये सेशन उनके लिए है? सोचो। अब वो बंदा आकर के पूछेगा, सर मेरा आलस कैसे खत्म हो? अबे तू पहले दही देने के बारे में तो बंद कर सोचना। हाँ, बैठे बैठे फ्री का खाने के चक्कर में है, तूने किया क्या उसके लिए जो भी तुझे मिला? तो पहले आपको अपने आप से पूछना है, मैं क्या कर रहा हूं? अभी स्क्रीनिंग कर रहा हूं। अगर आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं, यानी आपको फ्री में कहीं से कुछ मिल जाता है तो आप बड़े खुश हो जाते हो, जुए के पैसे से आप बड़े खुश हो जाते हो, दहेज के बारे में सोचते रहते हो सुबह से रात तक कि हाँ मेरे को कितना मिलेगा, मेरी मार्केट वैल्यू क्या है, अगर इस तरह की आपकी सोच है तो ये सेशन आपके लिए नहीं है। सो ये सेशन किन लोगों के लिए है? जिनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है। जब सेल्फ रिस्पेक्ट होती है तो फिर हम रास्ते ढूंढते हैं कि लूंगा तो नहीं किसी से भी एक रुपए भी, तो अब कैसे, मतलब खुद को ही लायक बनाना पड़ेगा। तो वहां से लेजीनेस जड़ से खत्म होती है।